हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जे यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न ऑब्वियस है, थोड़ा सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, अभी पिछले जो भी लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी पावर तक पहुँच चुके हैं, और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। और अब छोटे छोटे ही लेक्चर्स आएंगे ताकि आप लोग इफ़िशियंट होके 20-20 मिनट के लेक्चर्स देख पाएँ और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना, जो भी लेक्चर्स कवर करते चलना। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास कवर करेंगे, और बेसिकली इस छोटे से लेक्चर में बस हम लोग यही देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। अपने को पता है कि काइनेमेटिक्स, भाई गाड़ी वाड़ी चलती है इसलिए पढ़ते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या वेलोसिटी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कोई बॉल अगर फेंकते हैं तो क्या पोजीशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये वो। उसी तरीके से वर्क एनर्जी पावर में भी देखते थे कि कितना वर्क किया कोई आदमी, या कितना एनर्जी एग्जिस्ट करती है किसी भी बॉडी में, या फिर सर्कुलर मोशन में बॉडी गोल गोल घूमती है, उसके बारे में डिस्कस किए। और आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सेंटर ऑफ मास चर्चा करेंगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस देखेंगे सेंटर ऑफ मास का, कि इम्पॉर्टेंस क्या है सेंटर ऑफ मास का और क्यों हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान से सुनना कि सेंटर ऑफ मास में क्या इंपॉर्टेंस ऐसा है। तो जैसे अगर एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए में ए किसका है, ए इज द एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हो। कभी भी जो भी अभी हम लोग चैप्टर पढ़ते हुए आए हैं, एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी जो भी चैप्टर जो भी पढ़ते हुए आए हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस बॉडी को हम लोग एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन से मान लो कि हम लोग खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है ये जो एसेलरेशन आएगा दैट इज 1 m/s² आएगा। तो ये जो एसेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास की एसेलरेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम जो है ये सेंटर ऑफ मास की एसेलरेशन है। ठीक है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास का अपना पता होना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा किसी भी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास नहीं पता होगा तो उस बॉडी का एसेलरेशन तुम लोग गलत लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि अपने पास सर्कुलर मोशन, जितने बच्चे पढ़े हैं अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़े हैं वो सर्कुलर मोशन का लेक्चर जाके देखो तुरंत। हम लोग क्या करते थे, कोई भी एक लंबी सी रॉड लिए और इसको क्या करो ओमेगा से घुमा दो, इसको क्या करो ओमेगा से घुमा दो, तो क्या इस पॉइंट की एसेलरेशन और इस पॉइंट की एसेलरेशन क्या अलग अलग होगी, कैसे अलग अलग होगी सर। क्या इस पॉइंट की एसेलरेशन, ए रेडियल की बात करें, क्या ओमेगा स्क्वायर आर होता है ए रेडियल, तो क्या यहाँ के लिए आर अलग है और यहाँ के लिए आर क्या अलग है। उसी तरीके से ए टेंजेंशियल में अल्फा आर होता है, क्या यहाँ के लिए आर अलग, यहाँ के लिए आर अलग, तो ए नेट जो आएगा क्या वो दोनों ए नेट अलग अलग आएगा। तो कभी भी तुम अगर एफ इज इक्वल टू अगर एसेलरेशन बताना होगा तो किसका एसेलरेशन बताओगे, तो तुमको सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन पकड़ना होगा। तो क्या अपने को किसी भी क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास पता होना, कि किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या अपने को पता होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। और देखते हैं सेंटर ऑफ मास का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक और तुमको को एग्जाम्पल देते हैं हम छोटा सा, कि सेंटर ऑफ मास क्यों अपने को पता होना ज़रूरी है। जब हम तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखा रहे थे किसी भी रॉड का, कि अगर अपने पास ये रॉड ऐसे खड़ा हुआ है और इसकी तुमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग बोले थे कि यू इज इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूला होता है, ये यू इज इक्वल टू एम जी एच और फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी रॉड का निकालना है तो हम लोग एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेते थे और उसके बाद इसको क्या करते थे पूरा सॉल्व करके और फाइंड आउट करते थे। लेकिन हम लेक्चर्स में बता भी चुके हैं वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं रॉड का, जो बच्चा नहीं देखा है फिर से बोल रहे हैं जाके वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम प्रूफ कराए थे पूरा अच्छे से, डी एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेके पूरा अच्छे से प्रूफ कराए थे। लेकिन फिर लास्ट में तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि अगर किसी भी रॉड का या किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है तो तुम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच सी यू एम लिख दोगे, और ये हाइट जो होगी सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी, और ये हाइट कितनी थी सेंटर ऑफ मास की, h/2, क्योंकि अपने रॉड का किसी भी जनरल रॉड अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास h/2 पे लाई करेगा। लेकिन ऐसी भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है जिनका शेप मतलब अजीब तरीके का होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी इधर उधर होता है। जैसे इसमें अपने को छोटी सी बॉडी तो सेंटर ऑफ मास इसका एग्जिस्ट करेगा h/2 पे, इसीलिए अपने को सेंटर ऑफ मास का पता होना कि किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पी इज इक्वल टू एम वी लिखते थे, तो यहाँ पे वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लेते हैं वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अपने पास बॉडी है
एक सेकेंड, मान लेते हैं कोई भी अपने पास मान लो बॉडी है, ठीक है, और मान लेते हैं ये एक बॉडी है जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब ये बॉडी घूम भी रही है और आगे भी चल रही है जैसे कि बाइक का टायर होता है, तो क्या हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग होगी? तो क्या अगर तुमको मोमेंटम लिखना होगा इस बॉडी में, तो क्या तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे? मतलब क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप लोग पकड़ेंगे, तभी क्या अपने को फाइंड आउट होना, मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट होगी किसकी से वेलोसिटी पकड़नी होगी, सेंटर ऑफ मास की। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी उठाएं और पकड़ के लिख दिए, नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी होगी। उसी तरीके से एसेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, पोटेंशियल एनर्जी में एच सी एम, ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट का हाइट लिख दे तो हो जाएगा, नहीं, हाइट निकला है सेंटर ऑफ मास का। तो क्या अपने को सेंटर ऑफ मास का पता होना जरूरी है? हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। तो अभी तक हम तुम लोग को यही समझाएं कि क्या इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, ये चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंस है ताकि अपने को सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता रहे। और इंपॉर्टेंट समझाते हैं, जैसे मान लो हम लोग प्रोजेक्टाइल कराते थे, ठीक है, अभी मेरे इमेज में देखना, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, और इस पेन को हम लोग ऐसे करके घुमाएं, जैसे देखो मान लेते हैं इस पेन को ऐसे करके घुमाएं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये पेन यहाँ पे है और इस पेन को ऐसे करके आगे ले आए, तो एक्चुअली में ये पेन है अपना, देखो ये पेन है, इसको क्या किया हम लोग ऐसे रोल कराएं, तो ये क्या किया ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ गया, जैसे मान लेते हैं ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ गया। अब हम तुम लोग से बोलेंगे कि इस बॉडी का तुम लोग मोशन एनालाइज करो, इस बॉडी का क्या एनालाइज करो कि इस बॉडी का मोशन क्या होगा। तो तुम लोग ध्यान से देखो, तो अगर मान लेते हैं कि तुम लोग छोटा बन के, मतलब चींटी सी, चींटी जो होती है ना, चींटी, छोटी सी चींटी, वो छोटी सी चींटी बैठ बन के इस सेंटर ऑफ मास पे बन जाओ, बैठ जाओ, तुम लोग को पहले से बता दें कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी एक यूनिफॉर्म बॉडी या रॉड का, वो सेंटर ऑफ मास उसका मतलब इसके सेंटर पे लाई करता है। जैसे मान लो इसका लेंथ एल है, तो ये एल बाई टू पे लाई करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे चींटी बन के जब बैठ जाओगे, तो चींटी बन के जब यहाँ पे बैठोगे तो, और इसकी मोशन को एनालाइज करोगे, तो जो दोनों पेन की टिप है उस, वो टिप तुमको सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आएगी। वो टिप क्या नजर आएगी? सर्कुलर मोशन करते हुए। अगर तुम इस बॉडी का अगर मोशन एनालाइज करोगे ना, देखो ऐसे, तो ये मोशन काफी अजीब तुमको लगेगी और इस मोशन का एनालिसिस करना तुमको डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बॉल हम लोग फेंकते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, तो उसमें वेलोसिटी निकालना सीखे, पोजीशन निकालना सीखे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखे सीखे, और भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम लोग सीखे थे, पोजीशन निकालना, पोजीशन वेक्टर निकालना, सब कुछ सीखे थे। क्योंकि अब वो मोशन जो एनालिसिस करना था वो आसान था। जैसे स्ट्रेट लाइन में कार वार अगर जब मूव करती है, जैसे मान लो कोई कार है अपनी मस्त मूव कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन ये जो मोशन है काफी डिफिकल्ट मोशन है, इसके पाथ को एनालिसिस करना, इसके बारे में बात करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम क्या करो, अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ जाओ इसके, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, अगर तुम चींटी बन के यहाँ पे बैठ जाओ और इसको देखोगे, तो ये दोनों इसका पेन का टिप तुमको सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। और क्या हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो तुम इसके मोशन को आराम से एनालिसिस कर सकते हो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या ये दोनों टिप जो होगी वो सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगी? हाँ सर, सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगी। और जो चीटा जहां सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, तो ध्यान से देखो, वो सेंटर ऑफ मास तुमको प्रोजेक्टाइल करता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखो यार, अरे अरे यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा यार, हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या जब चीटा इन दोनों टिप्स को देखेगा, तो क्या सर्कुलर मोशन, और जब चीटे को हम लोग देखेंगे, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल करता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना सर? हाँ सर, प्रोजेक्टाइल करता हुआ नजर आएगा। तो क्या हम लोग इस पाथ को एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाए? क्या हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े? हाँ सर, सर्कुलर मोशन पढ़े। क्या हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े? हाँ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े। मतलब क्या हम दोनों मोशंस को पढ़े, प्रोजेक्टाइल भी सर्कुलर भी? तो क्या हम इस पेन के पाथ को एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ कि ना? अगर मान लो हम पूछें कि बता कि चीटा जो है टी टाइम के बाद कहाँ है, तो क्या बता लोगे? एक्स इज इक्वल टू यू टी। क्या एक्स डायरेक्शन में कितना चला चीटा, क्या बता लोगे? यानी कि ये पेन एक्स डायरेक्शन में कहाँ तक पहुंची, क्या बता लोगे? और वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए, क्या वाई इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, एंड यू एक्स टी इज वॉट, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है जनरली, ठीक है। और वाई क्या क्या बताओगे, दैट इज यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं? क्या पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अरे यार, तुमको तो आया ही नहीं।
तो क्या सेंटर ऑफ मास पता होने की वजह से क्या ये जो डिफिकल्ट मोशन था जिसका एनालिसिस करना मुश्किल लग रहा था, क्या वो आसान हो गया? हाँ कि ना? अगर हम पूछे कि टी टाइम के बाद बताओ कि ये दोनों टिप कितनी घूमी, तो टी टाइम के बाद कितनी घूमी? ओमेगा टी घूमी। अरे यार, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। अरे यार, तुम लोग को तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या सर्कुलर मोशन होने की वजह से और प्रोजेक्टाइल होने की वजह से क्या इसकी पाथ का एनालिसिस, जैसे देखो ये बॉडी आगे भी चल रही है, प्रोजेक्टाइल भी कर रही है, और ये बॉडी गोल गोल भी घूम रही है, तो अगर हम बात पूरी बात करनी है तो क्या अपने को सर्कुलर विथ प्रोजेक्टाइल देखना होगा? हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या पोजीशन तो पता चल गया, लेकिन कितनी घूमी बॉडी? क्या वो ओमेगा टी होगी? क्या ओमेगा दिए हम, जैसे अगर इसको हम गोल ऐसे करके ऐसे ले गए तो क्या हम इसको ओमेगा दिए? हाँ कि ना? हाँ। और टी टाइम के बाद हम पूछे कि कितनी घूम गई, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और पोजीशन क्या है? क्या ये पोजीशन है? क्या हम लोग दोनों चीज एनालिसिस कर पा रहे हैं? और ये किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने को सेंटर ऑफ मास पता है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ये देखेंगे अच्छे से। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं बॉडी की, कई यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, कई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी भी होती है, तो उनका सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कुछ पॉइंट सिस्टम होते हैं, 2-3 मास रखा होगा, 2 मास रखा होगा, उसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ये सब हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे पूरे चैप्टर में। लगभग हमको लग रहा है काफी, चूंकि 20-20 मिनट के लेक्चर बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है, और हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टार बना के पॉइंट लिख लो, स्टार बना के लिख लो, एफ इज इक्वल टू एम ए में, ए में ए इज द एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से पी इज इक्वल टू एम वी में, पी इज इक्वल टू एम वी में वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ये पॉइंट लिख लो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसमें जो भी समझ में आ रहा है लिख लो प्रॉपर वे में, और फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम। अब चलो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे तो पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, और वो काफी आसान होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, पुट करेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास दो मास रखे हुए हैं, जैसे मान लो ये अपनी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब चूंकि जो अगर दो पॉइंट मास रखे हुए हैं तो क्या उनके पोजीशन डिफाइन होंगे ना, कि वो यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना? जैसे अब दो मास की बात करोगे तो फिजिक्स में तो अपने पास यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ही हम लोग बता पाते हैं कि ये वाला मास यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ कि ना? हाँ सर। तो जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास मान लेते हैं M1 मास है, क्या है? M1 मास, और ये M2 मास है। हाँ कि ना? हाँ सर, ये M1 मास है और ये M2 मास है, और ये जो M1 मास रखा हुआ है, ये M1 मास मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर R1 पे रखा हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर R1 है और ये पोजीशन वेक्टर R2 है। क्या पोजीशन वेक्टर तो होगा ना यार, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में रखा हुआ है तो क्या कुछ तो पोजीशन होगी ना उस मास की? हाँ कि ना? हाँ सर, पता है सर, होगी। तो अब हम तुमसे पूछें कि बताओ ये M1 और M2 जो मास रखा हुआ है, इस दोनों पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो सिंपल सा है यार, देखो सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या अपने को मान लेते ये R1 वेक्टर एंड दिस इज द R2 वेक्टर, क्या ये R1 R2 वेक्टर दिया हुआ है। अब तुमको M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो क्या RCOM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2? हाँ कि ना? हाँ सर। क्या RCOM पता चल गया? क्या ये जो आएगा क्या ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है? लेकिन अगर तुमको इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पता करना हो तो ये तो हम तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिए हैं, तो क्या ये जो मास है क्या जेड एक्सिस में भी जा सकता है? हाँ कि ना? तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास क्या जेड एक्सिस में भी लाई कर सकता है? हाँ कि ना? हाँ सर, लाई कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अपने पास तो पूरा 3D स्पेस है, हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए केवल 2D 2 डायमेंशनल में दिखाएं। तो हम लोग लिखेंगे XUM इज इक्वल टू M1 X1, मतलब पहला मास और पहले मास की पोजीशन कहाँ है वो, प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। और YCOM क्या होगा? क्या M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी तुम लोग को लग रहा होगा अरे यार ये तो काफी आसान है अभी, लेकिन जब क्वेश्चन अच्छा अच्छा करेंगे तो मजा आता जाएगा चैप्टर में। छोटा लेक्चर हम बनाएंगे, कंप्राइज करके लेक्चर बनाएंगे। सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो ऐसे ऐसे काम करिए, तो उनके अनुसार काम हो रहा है अभी, ठीक है? अभी बहुत कुछ आना बाकी है चैनल पे, खटाखट सब्सक्राइब कर दो,
अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब जैसे इस पॉइंट सिस्टम का मास की बात करें, क्या ये एक्स एक्सिस है और क्या ये वाई एक्सिस है? हाँ कि ना? हाँ सर, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो क्या इस क्वेश्चन की अगर पर्टिकुलर बात करें, अगर सेंटर ऑफ मास निकालने चले, तो क्या जेड सी यू एम जो होगा जीरो आएगा? सिंपल सी बात है, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास अगर जेड एक्सिस की तरफ लाई नहीं कर रहा है तो जेड सी यू एम विल बी जीरो, लेकिन एक्स सी यू एम और वाई सी यू एम तो कुछ ना कुछ आएगा, हाँ कि ना? अब ये जो बात है, ये तो दो पॉइंट मास की बात है, लेकिन जरूरी है क्या कि किसी भी स्पेस में केवल दो ही पॉइंट हो? नहीं। तो अगर कई सारे पॉइंट्स, मान लो कई सारे मासेस अगर रखे हुए हैं, तो क्या उनका सेंटर ऑफ मास निकालना, क्या वो भी निकालना होगा? हाँ सर, निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे? एक्स यू एम, एक्स सी यू एम इज इक्वल टू सिंपल सा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, मतलब शो ऑन जितने भी मासेस हैं उनका मासेस लिखो और उनके सेंटर ऑफ सॉरी उनका जो एक्स एक्सिस में पोजीशन है वो कहाँ लाई कर रहा है वो लिखो, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस सो ऑन एंड इनफाइनाइट तक लिखते चले जाओ। और तुमको एक्स यू एम मतलब जितने भी मासेस, अब ऐसा थोड़ी इनफाइनाइट दे देगा, तीन देगा, चार देगा, पांच देगा, छह देगा, उससे ज्यादा क्या देगा, हाँ कि ना? उसी तरीके से वाई सी यू एम में भी लिखना है, चूंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरा फर्ज है कि पूरा लिख दें, प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन। कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, अभी क्वेश्चन अच्छा अच्छा करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। एप टू एडवांस लेवल का चल रहे हैं, नीट का बच्चा देखे, जो भी बच्चा देखना है देखे, सबको समझ में आएगा। एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस एम थ्री जेड जेड थ्री एंड सो ऑन अपॉन एम वन जेड वन सॉरी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन। क्या इस तरीके से कितने भी मासेस हो, क्या सेंटर ऑफ मास बताना तुम लोग के लिए अब बाएं हाथ का खेल हो गया यार, हाँ कि ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसी तरीके से देखो, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास दो मासेस हैं, जैसे मान लेते हैं अपने पास दो मासेस हैं, ये मास मान लेते हैं एम वन है एंड दिस मास इज एम टू, ठीक है? और ये कितना डिस्टेंस ले लें, ये जो है एल डिस्टेंस पे मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। अच्छा सर, एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम तुमसे पूछ लें कि बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो तुमको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास बताने के लिए कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तुम कहीं ओरिजिन डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लो? ओरिजिन डिसाइड कर लो कि ओरिजिन अपना कहाँ पे है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ एम वन को ओरिजिन मान लेते हैं कि एम वन जो है अपना ओरिजिन पे है, ठीक है? तो ओरिजिन अगर मानेंगे तो क्या ये वाली एक्सेस जो होगी, क्या वाई एक्सेस हो जाएगी? सर एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट, ये वाली एक्सेस क्या वाई एक्सेस हो जाएगी, हाँ कि ना? और ये वाली एक्सेस क्या एक्स एक्सेस हो जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर, ये एक्स एक्सेस हो जाएगी और ये वाई एक्सेस हो जाएगी। तो ये वाले कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, तो क्या ये वाली पॉइंट क्या 0.0 और ये वाली पॉइंट क्या एल कॉमा जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही ये पूरी बात लाई कर रही है, तो क्या वाई एक्सिस वाला पॉइंट 0? तो अगर हम बात करें कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या लाई करेगा, तो क्या एक्स सी यू एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, क्योंकि दो मास है तो दो लोगे, अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन हम करा देते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 11th का भी बच्चा देख सकता है इसको, ड्रॉपर भी देख सकता है और 12th का बच्चा भी देख सकता है। तो हमको ऐसा पढ़ाना है कि तीनों को समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो जिन बच्चों को आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें चुल मच रही होगी कि ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा। तो एम वन लिखें और एक्स वन यानी कि मास एम का पोजीशन क्या 0 है, क्या ये एक्स वन वाई वन है और क्या ये एक्स टू वाई टू है, हाँ कि ना? अरे हाँ सर, तो क्या एक्स वन इज वॉट, एक्स वन इज वॉट 0, अरे 0 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस एम टू एक्स टू, एक्स टू इज वॉट, क्या एक्स टू इज एल, अच्छा एल, तो अपॉन एम वन प्लस एम टू, हाँ कि ना? हाँ सर। वाई सी यू एम इज विल बिकम वॉट, वाई सी यू एम इज एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये दिस विल बिकम व्हाट 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 व्हाट, बोल बोल, अरे बोलना, अरे बोलना, कितना बोल, एम वन वाई वन इज व्हाट 0 प्लस एम टू वाई टू, वाई टू इज व्हाट 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 व्हाट, कहाँ गया वाई टू, अच्छा वाई टू इज 0, ओके, अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्यों ये दोनों 0 आ गया, मतलब क्या 0 अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी कि वाई सी एम विल बी 0, क्योंकि वाई एक्सिस में तो ये सिस्टम गया ही नहीं, तो वाई सी एम में सेंटर ऑफ मास आएगा ही नहीं। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या एम वन इंटू 0 विल बिकम 0 एंड एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, हाँ कि ना? हाँ सर। क्या ये जो एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू दिस इज द एक्स यू एम ऑफ द दिस मास, हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ गई बात, मतलब आप सही कह रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, आप सही कह रहे हैं।
आ रही है बात समझ में? क्या ये हो जाएगा मास? जैसे मान लेते हैं अगर M1 को 1 kg लेट कर लो और M2 को भी 1 kg लेट कर लो, अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर बताएं तो XUM विल बिकम M2, M2 इज व्हाट 1 kg इनटू L अपॉन M1 इज व्हाट 1 kg एंड M2 इज व्हाट 1 kg, तो 1 प्लस 1 यानी कि L बाई 2। क्या सेंटर ऑफ मास L बाई 2 पे लाई कर गया? हाँ कि ना? हाँ सर, L बाई 2 पे लाई कर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या XUM इस तरीके से सेंटर ऑफ मास दो पॉइंट सिस्टम का निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फटाक से ये पूरा लिख लो, हम पॉज कर रहे हैं, ये पूरा लिख लो। लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा लिख, एक सेकेंड, ज्यादा आगे चले गए। ये पूरा लिख लिए, उसके बाद ये पूरा लिख लो। लिख लिए, अब ये पूरा लिख लो। ठीक है, हम पहले M1 M2 एज्यूम किए हैं, क्योंकि M1 M2 इसलिए एज्यूम किए क्योंकि कुछ भी रखो M1 M2 की जगह कोई मीनिंग थोड़ी बनता है यार उसका। तो M1 M2 की जगह बाद में 1 kg पुट किए। क्या XUM विल बिकम L बाई 2 एंड YCUM विल बिकम 0 हर केस में? क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मास सिस्टम, ये Y एक्सिस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या YCUM विल बिकम 0? और आगे ZCUM विल ऑलवेज बिकम 0, क्यों? क्योंकि Z एक्सिस में तो कहीं इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कहां से सेंटर ऑफ मास आएगा? उसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, इसको पहले लिख लो। चलो लिख लो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम देखो एक पॉइंट हम तुम लोग को समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग R1 वेक्टर, जैसे मान लो दो, जैसे आगे ही दिखाते हैं फिगर में, जैसे मान लो ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग R1 वेक्टर को चेंज करते हैं और R2 वेक्टर को चेंज करते हैं, तो क्या RCUM विल चेंज? एक बार सोच लो, क्या RCUM भी चेंज होगा? अगर हम लोग R1 वेक्टर को चेंज करें, मतलब क्या पोजीशन चेंज कर रहे हैं मास M1 का? हाँ सर पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और R2 वेक्टर का पोजीशन चेंज करें? पोजीशन चेंज कर रहे हैं सर। R1 का भी चेंज कर रहे हैं, R2 का भी चेंज कर रहे हैं, तो क्या RCUM का पोजीशन चेंज होगा? हाँ कि ना? हाँ सर चेंज होगा, चेंज होगा RCUM का पोजीशन। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की रियल मीनिंग होगी वो चेंज होगी क्या? नहीं। अरे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो चेंज कर रहे हैं। R2 वेक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो चेंज कर रहे हैं। तो RCUM इज व्हाट? डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्या R1 R2 चेंज होने की वजह से क्या RCUM चेंज होगा? लेकिन जो रियल मीनिंग है RCUM की, क्या वो चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर नहीं चेंज होगी। अरे यार तुम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा, R1 R2 चेंज करोगे तो RCUM विल बी चेंज, लेकिन जो रियल मीनिंग होगी RCUM की, मतलब RCUM जहां बॉडी में पहले जिस तरीके से काम कर रहा था उस तरीके से अभी भी काम करेगा। एग्जांपल देते हैं, आ जाओ देखो। इस अगर बॉडी की बात करें अगर हम, तो मान लेते हैं कि इस बॉडी को ओरिजिन ऐसे लाई कर लें, तो क्या इसका पोजीशन 0,0 है? इसका पोजीशन मान लेते हैं इसकी लेंथ एल अगर है, जैसे हम इस क्वेश्चन में अभी किए ये वाले क्वेश्चन में, तो क्या इसका एल एल कॉमा जीरो होगा इसका पोजीशन? ठीक है, अगर मान लो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन हम चेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वही हम लोग कर रहे हैं, तो क्या RCUM का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या चेंज होगा? लेकिन जो रियल मीनिंग होगी RCUM की, क्या वो बदल जाएगी क्या? वो थोड़ी बदलेगी। तो स्टार बना के एक बार पॉइंट लिख लो, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो उसी पे होगा कि क्या क्या क्या, एक मिनट स्टार बना के पॉइंट लिखो कि एक सेकेंड। हाँ लिखो, इफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर विल चेंज देन RCUM विल चेंज, RCUM विल चेंज, बट द रियल मीनिंग ऑफ द RCUM विल नॉट चेंज, बट द रियल मीनिंग ऑफ RCOM विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। इसका हम तुम लोग को PDF दे देंगे नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग लिखोगे नहीं। ठीक है, विल नॉट चेंज, PDF हम दे देंगे लेकिन इसका मतलब लिखोगे नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए प्लीज नोट्स बनाते चलना प्रॉपर, तभी क्लास में समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि रजाई में बैठ के मस्त और वीडियो देख रहे हो, ठीक है? पूरा अच्छे से देखना, ठीक है? तो अब ये एक क्वेश्चन हो गया कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम रखते हैं सामने तुम लोग के, एक क्वेश्चन रखते हैं कि अपने पास एक 2 kg है, 2 kg का मान लेते हैं पॉइंट है, पॉइंट मास है, और अपने पास एक 4 kg का पॉइंट मास है। एक क्या है? 4 kg का पॉइंट मास है, ठीक है? 2 kg का पॉइंट मास है, 4 kg का पॉइंट मास है। अच्छा सर, 2 kg का पॉइंट मास और 4 kg का पॉइंट मास है। अच्छा, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन मेरा देखो, इसका सेंटर ऑफ मास तुमको बताना है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास तुमको बताना है, तो एक बार सेंटर ऑफ मास पता कर लेते हैं, फिर असली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास बताना है, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार सेंटर ऑफ मास देख ही लेते हैं, क्या पता कौन बच्चा देख रहा है, क्या बच्चा नहीं समझ में आया पहले क्वेश्चन में तो वो इसमें समझ सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। ये 0.0 ठीक है, और मान लेते हैं इसका डिस्टेंस एल है, इसका डिस्टेंस कितना है, एल है इसका डिस्टेंस, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो ना यार, क्या ये जो होगा क्या एल कॉमा जीरो होगा, क्या वाई सी यू एम तो विल बी जीरो, लेकिन जो एक्स यू एम होगा क्या एक्स ही में आएगा, क्या एम वन, या हम डायरेक्ट लिखते हैं ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, क्या अगर डायरेक्ट लिखें तो क्या एम वन, सॉरी यार, तो क्या एम वन यानी कि 2 kg इंटू एक्स वन क्या जीरो, प्लस एम टू यानी कि 4 kg इंटू एल अपॉन 2 kg प्लस 4 kg यानी कि 4L/6 यानी कि क्या हम इसको लिख सकते हैं कितना हो गया ये 2L/3, क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर एग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना, हाँ सर सेंटर ऑफ मास यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अच्छा सर, लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका क्वेश्चन कुछ और था, इसका क्वेश्चन है कि, इसका क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है इफ 2 kg इज शिफ्टेड टू, इफ 2 kg इज शिफ्टेड कितना ले ले 3 meter फ्रॉम द राइट, इफ 2 kg शिफ्टेड 3 meter फ्रॉम टुवर्ड्स राइट मतलब 2 kg को क्या किए हम लोग टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करा दिए, कितना शिफ्ट करा दिए राइट में शिफ्ट करा दिए, इफ 2 kg शिफ्टेड 3 meter टुवर्ड्स राइट एंड एक्स यू एम Will shifted in 1 meter, 1 meter towards, 1 meter towards right. Then find out the shifting of. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, shifting of 4 kg mass, 4 kg mass. अगर हम लोग 2 kg को 3 meter शिफ्ट करा दें और जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब 2 kg को क्या कराएं हम लोग 3 meter शिफ्ट करा दिए और जो अपना सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए 2 kg को 3 meter शिफ्ट करा दिए टूवर्ड्स द राइट और अपना जो सेंटर, उसके वजह से जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो 1 meter शिफ्ट कर गया, वो क्या कर गया 1 meter टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर गया, मतलब राइट साइड में उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, जिसके वजह से 4 kg को भी शिफ्टिंग करानी होगी ताकि उसका सेंटर ऑफ मास 1 meter टूवर्ड, मतलब जितना पहले था यानी कि 2L/3 था उसमें प्लस 1 meter, हाँ कि ना, क्या वो शिफ्टिंग कराने में क्या 4 kg का क्या शिफ्टिंग होगी, मतलब क्या अगर सबको शिफ्ट करा रहे हो तो क्या 4 kg को भी शिफ्ट कराना होगा, अगर 4 kg को शिफ्ट नहीं कराना होगा तो क्या जो शिफ्टिंग होगी क्या वो जीरो आ जाएगी, अरे यार तुम लोग समझे ही नहीं क्वेश्चन, 2 kg को जब शिफ्ट कराए तो क्या एक्स यू एम शिफ्ट किया, हाँ कि ना, हाँ सर शिफ्ट किया, तो क्या 4 kg को भी शिफ्ट कराएंगे, हाँ कि ना, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, क्या पता 4 kg वहीं पे रहे और उसका सेंटर ऑफ मास 1 meter पे ही सेटिस्फाई हो जाए, हाँ कि ना, लेकिन अगर होगा तो जीरो आएगा, अगर नहीं होगा तो क्या 4 kg की कुछ ना कुछ तो शिफ्टिंग आएगी, हाँ कि ना, हाँ सर आएगी, तो क्या एक्स यू एम निकालने के लिए क्या हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं m1 plus m2 हाँ की ना सर, हाँ सर करते हैं, तो क्या अब यहाँ पे क्या थोड़े थोड़े डिस्टेंस तक ये सबको शिफ्ट कराया गया, 2 kg को राइट साइड में शिफ्ट कराया गया, जो सेंटर ऑफ मास था क्या वो भी राइट साइड में शिफ्ट कर गया, तो 4 kg भी कहीं तो राइट या लेफ्ट चाहे कहीं भी शिफ्ट करेगा, तो क्या वो शिफ्टिंग बतानी होगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि शिफ्टिंग करा रहे हैं, मतलब क्या पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या पोजीशन बदल रहे हैं, तो क्या करो तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो जब तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, अगर जिसको डिफरेंशिएट करने नहीं आता है जाके वो बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो क्या जब तुम डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड तो क्या ये डी एक्स यू एम इज इक्वल टू एम वन डी एक्स वन प्लस एम टू डी एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, हाँ कि ना, अरे यार तो क्या ये जो डी एक्स वन इज वॉट कि तुम कितना शिफ्ट कराए, डी एक्स टू इज वॉट कि तुम कितना शिफ्ट कराए एंड डी एक्स यू एम इज वॉट कि उस वजह से सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, अरे यार तो क्या इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस में कराए तो क्या डी एक्स यू एम लिखोगे और वाई एक्सिस में अगर कहीं हुआ होगा तो क्या डी वाई सी यू एम लिखोगे और जेड एक्सिस में हुआ तो डी जेड सी यू एम लिखोगे, अरे यार क्या ये सिंपल क्वेश्चन था, क्या ये दिखने में यहाँ तक तो मान लेते हैं इजी होगा, क्या ये दिखने में कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन क्या ये आसान है, तो क्या जो डी एक्स यू एम है क्या उसकी शिफ्टिंग क्या 1 meter कराए हैं, क्या 1 लिख सकते हैं,
क्या M1 इज वॉट 2 kg, क्या DX1, DX1 इज वॉट कि कितना शिफ्ट कराएं 2 kg मास को, यानी कि M1 को कितना शिफ्ट कराएं, तो क्या 3 मीटर शिफ्ट कराएं इंटू 3 प्लस M2 इज वॉट, क्या 4 kg। एंड वॉट इज DX2, DX2 इज वॉट कि कितना सेकंड वाले मास को शिफ्ट कराएं, और अपने को वही बताना है कि 4 kg को हम लोग कितना शिफ्ट कराएं, तो क्या DX2 पता करना है, और M1 प्लस M2 इज वॉट 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 और 2 3 6, और ओ भाई साहब मतलब क्या DX2 विल बिकम 0। ओके कोई बात नहीं, क्या DX2 क्या 0 आ गया। ये 0 किस वजह से आया, ये 0 इसी वजह से आया क्योंकि अपने को 4 kg को हिलाना ही नहीं है, मतलब अगर 4 kg को हिलाएंगे ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पे शिफ्ट आराम से हो जाएगा, और 2 kg जब 3 मीटर शिफ्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा, मतलब 2 kg को नहीं हिलाना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर 2 kg को मान लेते हैं हम हिलाना चाहते हैं, पहले ये लिख लो, इसी पे हम क्वेश्चन चेंज करेंगे ताकि तुम लोग को दिखे कि कैसे 4 kg को शिफ्ट करके सेंटर ऑफ मास को वहां रख सकते हैं। एक बार जल्दी से लिख लो, पॉज करो, लिख लो, लिख लिए, चलो आ जाओ क्वेश्चन चेंज करते हैं, अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे। ये जो 3 मीटर है, इस 3 मीटर की जगह हम लोग मान लेते हैं 4 मीटर, 5 मीटर कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 5 मीटर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको 5 मीटर कर लो कि 2 kg को तुम 5 मीटर शिफ्ट कराए, तो उसमें क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या तुमको चेंज करना होगा, बस यहाँ पे तुमको 5 मीटर करना होगा। अरे इसमें क्या करना होगा तुमको, यहाँ पे 5 मीटर करना होगा, क्या यहाँ पे 5 करना होगा। अब बचाओ करते हैं, तो क्या ये 6 और 2 5 10, तो जब इधर जाएगा तो DX2 विल बिकम, एक सेकेंड, तो क्या जो अपना DX2 होगा मतलब जो शिफ्टिंग होगी, क्या दैट शिफ्टिंग 2 5 10 एंड दिस विल बिकम 6, तो 6 - 10 इज वॉट 4, एंड 4 को इधर ले आओगे तो क्या -1, अरे -1 ही तो आएगा, अरे 6 इधर जा रहा है माइनस, अरे यार क्या ये कितना आएगा, अरे बोलो ना -1। ये -1 क्यों आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव माने और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मांगे हैं, क्या यानी कि 4 kg को 1 मीटर शिफ्ट कराना है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हाँ कि ना। अगर हम लोग चाहते हैं कि 2 kg को 5 मीटर रखें और सेंटर ऑफ मास 1 मीटर शिफ्ट हो जाए अपना, तो क्या अपने को 4 kg को लेफ्ट साइड में मूव कराना होगा, वो भी 1 मीटर, हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, पहला क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि 2 पॉइंट सिस्टम बेसिक कराएं इस पूरे लेक्चर में, 2 पॉइंट सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास बता दो सर, क्या बता दोगे, हाँ कि ना, हाँ सर बता लेंगे, क्या अगर मास को शिफ्टिंग करा लिए क्या वो भी बता दोगे, हाँ सर बता देंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं पॉइंट सिस्टम का, तो जरूरी है क्या कि इसमें 2 ही मास हो, कई मास हो सकते हैं, तो वो सारे 2 से अधिक मास देखेंगे। अभी हम लोग 3 मास सिस्टम देखेंगे, क्यूब का भी देखेंगे, कोई भी प्रिज्म का देख लेंगे सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज बनानी है, कम मिनट्स की, 1 घंटे की वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि अपने को चाहिए सब्सक्राइबर, तुम लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, दोस्तों को शेयर करो, इसीलिए वीडियो आने में लेट हो रहा है, शेयर करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, पैसा लगता है क्या शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, ये कैरेमिनाटी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है, काफी मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो अगले दिन से मेरे घर पेटी भर के पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। आप सोचिए इस पूरे चैनल पे अभी 170 के अराउंड लेक्चर्स हैं, उसमें इंटरव्यूज हैं, उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, पूरे टॉपिक्स के इरोडोव के सॉल्यूशंस हैं, कुछ स्ट्रेटजी भी शेयर किए हुए हैं, तो इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना मेहनत चल रही है वो भी बिना किसी अमाउंट के, तो ये मत सोचना कि ये बंदा केवल अमाउंट के लिए या पैसों के लिए ये सब कर रहा है ना। तुम लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, तभी तो ये सब प्रोवाइड कर पाएंगे। हम मानते कि काफ़ी सारे लोग हैं प्रोवाइड करने वाले, लेकिन भी तो है ना यार, अपने अंदर भी कुछ तो यूनिक आएगा, है कि नहीं, तो वो यूनिक की तलाश रहेगी, और आप लोग सपोर्ट करिए तो वो यूनिक आने में जल्दी, मतलब वो यूनिक बहुत जल्दी आ सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का ये लेक्चर था, हम लोग पीछे बहुत कुछ कवर करके आए हुए हैं, 1.5 घंटे की वीडियो लेक्चर पड़ी हुई है इस चैनल पे, वो जाके देखो, मतलब पुराना लेक्चर्स भी देखो, रिवाइज करते रहो उनको, और ये लेक्चर अब कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पे, हम ऑलमोस्ट दोपहर तक हर वीडियो आएगा डेली डेली, अगर नहीं आता है किसी दिन तो यार कुछ प्रॉब्लम में होगा मास्टर, इसी वजह से नहीं आ पाएगा, आ पाएगा, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर्स अच्छे से बनाओ, PDF तुमको नीचे अच्छे से मिल जाएगा, नोट्स अच्छे से बनाते चलना, और अब पॉइंट मास सिस्टम का और यूनिफॉर्म मास सिस्टम का हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, रात के शायद 12 बज रहे होंगे तो गुड नाइट, मतलब अभी तो बहुत देर में सोना है यार, लेकिन फिर भी गुड नाइट।